इस प्रदर्शन के लिए, इस विधानसभा मार्च के लिए हम लोगों ने नोटिस दिया था, उसकी अनुमति थी। मेरे दो तीन सवाल कानूनी सवाल, अब उसका जवाब उनके पास नहीं, किस अधिकार से उन्होंने इस प्रदर्शन को, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को, किस अधिकार से उन्होंने डाक बंगले चौराहे पर रोका? क्या डाक बंगले चौराहे पर 144 लगा हुआ था? नहीं। क्या कोई 144 की घोषणा हुई थी कि डाक बंगला चौराहा में पर 144 लगा हुआ है, कोई नहीं जाए, किसी ने सुना था? नहीं। तो अगर 144 नहीं लगा हुआ था तो आपको किसी को रोकने का अधिकार नहीं था। अगर 144 नहीं लगा हुआ था डाक बंगलों चौराहे पर तो आपको बल प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए जो आपने लोगों की हत्या की, जो लोगों पर बल प्रयोग किया, वो सारा का सारा गैरकानूनी था, सारा का सारा नीतीश कुमार के आदेश पर हुआ। ये लगता था कि बौखलाहट रही है, बौखलाहट जैसे हमने सुना, जैसे हम सुने अपने कार्यकर्ताओं से। ये सरकार, देखिए ये सरकार की कोई नैतिक अब आधार तो रह नहीं गया। ये नीतीश जी हैं, आज इधर कल उधर, आया राम गया राम, जितना हरियाणा में आया राम गया राम था उससे ज़्यादा आया राम गया राम तो नीतीश कुमार जी हो गए, गिन लीजिए आप। कुर्सी कुमार नाम हो गया, और यही नीतीश कुमार हैं, जबकि इन पर ये तेजस्वी को समन हुआ था, उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ था, तो उसी आधार पर उन्होंने राजद का साथ छोड़ दिया था, यही है कि नहीं? यही ना है। आज चार्जशीट हो गया, अब उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, ये क्या है साहब? भ्रष्टाचार का तो शर्म सीमा है ही है। आप देखिए आरोप क्या है तेजस्वी पर, क्या आरोप? आरोप है घुसखोरी का। इनके पिताजी ने, लालू प्रसाद जी ने नौकरी दी रेलवे में घूस लेकर के, उसको घूस कहते हैं, अवैध तुष्टिकरण कहते हैं। आज जिस गरीब के पास पैसा नहीं था उसका जमीन लिखवा लिया, अब जमीन लिखवा लिया, नौकरी दी, ये तो सत्य प्रमाण है। चार्जशीट नहीं है तो कन्विक्शन होगा, तो सत्य प्रमाण है सर, एकदम साफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसको कहते हैं। सजा तो पक्का होना है, लेकिन हाँ साहब, तो सीना ताने खड़े हुए हैं कि नहीं हम इस्तीफा नहीं देंगे, आप मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, भूल गए अपना वो कि नहीं नहीं साहब, सो तेजस्वी जी अपना बतावे, याद है जो छोड़ दिए थे एकाएक, ये है। और दूसरी तरफ इनका कार्यकलाप क्या है? एक बड़ा सा पुल धराशायी, 1700 करोड़ का था ना, 1700 करोड़ खर्च हुआ है, धराशायी हो, और कोई कार्रवाई किसी पदाधिकारी पर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं। मेरा सवाल है कि इस ठेकेदार सिंगला के, सिंगला में किस किस पदाधिकारी या किस किस नेता का पैसा लगा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए ईडी से और सीबीआई से। अब बहुत लोगों का इसमें चिट्टा खुल जाएगा, ये जो हमको सुनने को मिला है, सिंगला एंड कंपनी, सुनते हैं कि सारा ठेका इसी को मिलता है, इसी को मिलता है, है ना, ये तो हमको सुनने को मिला, एकदम जांच होनी चाहिए। याद है पिछले चुनाव, यही तो बोले, झूठ का करेंसी बहुत दिन नहीं चलता है, झूठ की जिंदगी बहुत कम रहती है। यह सब उजागर हो गया है, जनता अब त्रस्त है और अब जनता इनको बदलेगी, और मेरा तो मानना है कि तुरंत इसकी जांच होनी चाहिए कि ये लाठी चार्ज अवैध था कि नहीं। मेरा कहना है कि ये तो अवैध था, मेरा कहना है कि ये हत्या है, क्योंकि आपको ये बल प्रयोग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। मेरा ये सवाल, चर्चा हो रही है कि ये पहले से प्रायोजित था, इस तरीके से चार्ज करना तो पहले से बिल्कुल प्रायोजित था, नहीं तो आप ये बताइए कि 8-10 जिला से आदमी फोर्स इकट्ठा करेगा भाई शांतिपूर्ण मार्च के लिए,
क्यों? इसलिए कि कहा जा रहा है कि हाँ ये भ्रष्टाचार के आरोप में चार्ज शीटेड हो गए, इनको रिजाइन करना चाहिए, इसी के लिए ना? नहीं साहब, सो एकदम भ्रष्टाचार में चार्ज शीटेड है लेकिन फिर भी रहेंगे, और कोई आवाज उठाएगा तो उसको कुचल देंगे। आप जनता की आवाज कुचल नहीं सकते। देखिए आंदोलन तो चलते रहेगा, और ये अब जनता ने मन बना लिया है, इनको अब अपना बुढ़िया बिस्तर समेटना चाहिए। अब ये तो इनको जाए है, ये इनको अब आंदोलन किया गया था लेकिन उसमें शिक्षक तो दिखे ही। हाँ, शिक्षकों को लेकर शिक्षक के समर्थन में चीज किया गया था लेकिन उस पुल धरा सही हुआ। आ एक जांच ने कहते हैं हम साफ सुशासन बाबू, यही कहते हैं कि हम साफ हैं मिस्टर क्लीन। क्या मिस्टर क्लीन जी? भ्रष्टाचार हो रहा है आपके जितने विभाग हैं उसमें, आप कहीं चले जाइए आपको स्पष्ट सुनने को मिल जाएगा कि हाँ इस विभाग में इतना ये भ्रष्टाचार चल रहा है, इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। आइए चुपचाप एकदम बैठे हुए मूक दर्शक की तरह, और आजकल चले हैं पूरा एकदम ऑपोजिशन को यूनाइट कर दें। अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा है, ऑपोजिशन को यूनाइट करने चले। ये देखिए जनता अब तंग आ गई। अब ये आप सोचिएगा कि हाँ साहब सो हम ये कास्ट कॉम्बिनेशन कर कर करके या ये करके वो कर कर करके हम ये निकल जाएंगे इस चुनाव में, ये अब जनता इसको नहीं मानने वाली। लोग कहते हैं कि हाँ साहब सो लालू यादव का समय अंधकार काल था, इनका समय पहला 5 साल छोड़ दिए इनका समय तो वो तो वैसा ही है, बल्कि अब तो उससे भी वर्ष हो गया। शराबबंदी इन्होंने कर दी, धड़ल्ले से अवैध शराब बिक रहा है, धड़ल्ले से लोग मर रहे हैं। पहले कहते थे कि जो मर रहे हैं उनको मुआवजा नहीं देंगे, अब मुआवजा भी दे रहे हैं। ये अवैध शराब को तो रोक नहीं पाई है। आप ये बताइए कि यहां पर लाखों लड़के नौजवान बेरोजगार हैं, और आपने वर्षों से चली आ रही नियम को बदल दिया, और शिक्षक की बहाली में आप कहे कि नहीं साहब सो सब जगह से हम आवेदन लेंगे। वर्षों से ये चली आ रही थी, क्या कारण था साहब आप उसको बदलने का? यहां पर रोजगारी बेरोजगारी खत्म हो गई नवयुवकों की? आपके शिक्षक हैं कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, ठेका पर हैं, है ना? और इतने वर्ष हो गए एकदम आप शिक्षक की बहाली भी नहीं कर पाए। लेकिन ये बतावे कि क्या कारण है जबकि आपने नियम बदल दिया और कहा कि नहीं साहब सो हम ओपन करते हैं, क्या कारण? इसका कारण आप स्पष्ट करें। हमारे यहाँ क्या ये जो नौजवान हैं उनमें कॉम्पिटेंस नहीं है क्या? आप UPSC में देख लीजिए, सबसे अधिक बच्चे बिहार के कम्पीट करते हैं। आप IIT देख लीजिए, IIM देख लीजिए, सब जगह बिहार के बच्चे हैं। और यहां पर आपने कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे, कहा था ना? नहीं कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था तो हर महीने 1 लाख का दे रहे हैं। हम भी 2-3 जगह जाकर के देखिए, हमको लगता है कि ये चिराग जी के पास ये जो सच्चाई है, चिराग जी के पास उनका वोट है, उनके समाज का वोट है, और चिराग जी हम लोग के साथ आना चाहते हैं। तो हमको हम ये क्या बातचीत चल रही है हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमको कोई रीज़न नहीं दिखता है, कोई कारण नहीं दिखता है कि अगर चिराग हमारे साथ आना चाहें तो हम क्यों नहीं लें। साहब वो सब वेतनभोगी कर्मचारी हैं ना, कुछ लोग ज़्यादातर उसमें से तो ये टेम्पररी हैं। क्या 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 भत्ते पर हैं? अनुबंध पर हैं। एक दिन पहले चिट्ठी निकाला गया था हाँ। के पाठक के द्वारा कि जो भी अनुपस्थित रहेंगे उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। हाँ, वही वही। सर क्या लगता है इसको लेकर ललन सिंह ने कहा है कि जब निर्षजोगों को तो लाठी बजेगा ही, कितना कौन? ललन सिंह का एक बयान आया है कि जब पुलिस की आंख में निर्षजोगेंगे तो आप लाठी। ये सब झूठ है साहब, सरासर झूठ। हमारे तो बहुत सारे लोग थे, हमारे जो लोग थे वो तो आगे थे,
एकदम सामने थे हमारे भोजपुर के लोग, कोई बिरचा उठा कोई सवाल ही नहीं था, झूठ नहीं, 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 नहीं बोलना चाहिए। विजय सिंह के सहयोगी ने ये बताया कि उनकी किसके सहयोगी, हाँ वो विजय के, तो क्या लगता है कि पुलिस ने दबाव में उनसे ये बयान ले लिया? हमको लगता है क्या वो कहता है कि अपने गिर गए, अपने गिर के मर गए, बयान कहाँ पटना में एसपी का है, वो तो खुद नहीं बोले हैं, वो नहीं बोले हैं, वो तो बेहोश होकर गिर गया जब उनको पोस्टमार्टम कौन किया, कौन डॉक्टर किया, वो रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। किसके सामने चिकित्सक के बयान में बताया है कि चोट लगी है, अंदर के चोट से अंदरूनी चोट लगी है, चिकित्सक का बयान तो पहले से क्या कुछ उनको ये था हार्ट ट्रबल वगैरह था, ऐसा तो कोई सूचना नहीं है। एक सवाल मंत्री, हाँ, जो आपके पार्टी को पहले से आभास था कि इस तरह का लाठीचार्ज होगा, यही कारण था कि आपके कुछ बड़ी नेता भाजपा के दो घंटा विलम्ब से आया उनके? नहीं, से नहीं आया। अच्छा, आपको किसी को आभास नहीं था, बल्कि ये बल्कि किसी को सुनिए, पहली बार जबकि हमारे लोग सुने, हमारे लोग चल रहे थे ये बैनर लेकर लोग आगे पूछिए, उसके बाद फिर ये सामने से लाठीचार्ज शुरू हुआ, तब खबर आई कि अरे लाठीचार्ज हो रहा है, तो ये लोग बोले कि नहीं नहीं साहब सो लाठीचार्ज हो रहा है। हम लोग टीवी पर देखे हैं टेलीविजन पर, उसमें कुछ आपके बड़ी नेता इस प्रदर्शन के लिए, इस विधानसभा मार्च के लिए हम लोगों ने नोटिस दिया था, उसकी अनुमति थी। मेरे दो तीन सवाल कानूनी सवाल, अब उसका जवाब उनके पास नहीं, किस अधिकार से उन्होंने इस प्रदर्शन को, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को किस अधिकार से उन्होंने डाक बंगले चौराहे पर रोका? क्या डाक बंगले चौराहे पर 144 लगा हुआ था? नहीं। क्या कोई 144 की घोषणा हुई थी कि डाक बंगला चौराहा में पर 144 लगा हुआ है, कोई नहीं जाए, किसी ने सुना था? नहीं। तो अगर 144 नहीं लगा हुआ था तो आपको किसी को रोकने का अधिकार नहीं था। अगर 144 नहीं लगा हुआ था डाक बंगला चौराहे पर तो आपको बल प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए जो आपने लोगों, ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।